हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फोर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन हरियाली कबाब। इसके लिए मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे मैंने वॉश करके पीसेस में कट कर लिया है। इसे हम एक पेस्ट के साथ बॉईल करेंगे। पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने आधा कप हरा धनिया लिया है, कुछ पत्ते पुदीने के, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्चें जिसको मैंने दो टुकड़ों में कट कर लिया है, और 5 से 6 जवे मैंने लहसुन की ली है। इसमें मैं 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करूँगी। इस तरह का मैंने एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। यही पेस्ट अब मैं इस चिकन में ऐड करूँगी। इसमें मैं 3/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। इसको अब मैं बॉईल करने रख दूँगी। चिकन को हमें टेंडर होने तक कुक करना है। चिकन हमारी कुक हो गई है और पानी भी सब ड्राई हो गया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और चिकन को श्रेड कर लेंगे। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है और इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें मैं 3 बॉइल्ड पोटैटोज़ ऐड करूँगी। ये 3 बड़े साइज़ के पोटैटो है, इसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को रोस्ट करके मैंने ग्राइंड कर लिया था। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 कप मैंने इसमें स्प्रिंग अनियंस ऐड किया है। मैंने वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट ऐड किया है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक चीज़ का क्यूब मैंने ग्रेट कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैं 1 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड करूँगी। चिकन को बॉईल करते वक्त भी सॉल्ट ऐड किया था और चीज़ में भी थोड़ा सॉल्ट होता है, इसलिए सॉल्ट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट और ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। इस तरह के फ्लैट ओवल शेप में हम कबाब बनाएंगे। आपको जिस शेप में चाहिए आप बना सकते हो। सभी कबाब मैंने प्रिपेयर कर लिया है। इस क्वांटिटी में मेरे 12 कबाब बने हैं। मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। एक एक कबाब को मैं इस तरह ब्रेड क्रम्स में रोल करूँगी और इसे साइड में रखूंगी। सभी कबाब मैं इस तरह प्रिपेयर कर लूंगी। इस कबाब को हम फ्रीज भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप इसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रखकर फ्रीज़र में रख लें और इसे हार्ड होने पर ज़िपलॉक बैग में भर के रख सकते हैं। एक बाउल में मैंने 2 eggs लिए हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून वाटर ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालकर इसे मैं अच्छे से फेंट लूंगी। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रखा है। अब सभी कबाब को हम इसमें डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अंडों को भी अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब एक एक पीस मैं इसमें डिप करूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। दोनों तरफ से पलटकर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हरियाली कबाब हमारे बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।